आज हम हैं टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में और फिलहाल अभी मैं हूँ टाटा मोटर्स के टेस्टिंग ट्रैक के अंदर। अब जैसे ना आप गाड़ियों को लेते हैं, गाड़ियों को आप सोचते हैं कि गाड़ी को किस तरीके से टेस्ट किया जाता होगा, क्या R&D उनके पीछे है, जब आप गाड़ी को खरीद रहे हैं उससे पहले कंपनी खुद उन गाड़ियों को कैसे टेस्ट करती है, तो आज मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर कंपनी अपनी गाड़ी को टेस्ट करती है। आज हम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की सारी लाइनअप को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो नए नए फीचर यहाँ डाले गए हैं। अब आप सब जानते हैं कि अप्रैल 2023 के बाद हर एक गाड़ी जो आपको मिल रही है BS6 फेज 2 कंप्लायंट हो चुकी है, तो वो जो कंप्लायंस आया है वो तो हर कंपनी आपको दे रही है, लेकिन यहाँ पे टाटा मोटर कंप्लायंट होने के साथ साथ जो नए नए एडेड फीचर आपको दे रही है, जो सस्पेंशन को हल्का सा नया ट्यूनअप किया गया है, इंजन की पावर को बढ़ाया गया है, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी की गई है, बाकी ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं ना, एक तरीके से जो यहाँ पर पूरा टेरेन बनाया गया है, इसमें गाड़ियों के सस्पेंशन को देखा जाता है, जो चैसी उसमें दी गई है वो कितना ज़्यादा लोड को बेयर कर सकती है। सबसे पहले आपको गाड़ियाँ समझाता हूँ क्या क्या लाइनअप हमारे सामने पेश किया गया है। तो मुझे पता लगा है कि 397 वैरायटी ऑफ व्हीकल यहाँ पर रहते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।